Good morning everyone. Today we are going to start with our fifth standard and lesson number 5, paragraph formatting, MS Word. Last lecture in practical का जो मैंने online lecture लिया था उसमें हमने क्या देखा, what will we see? Know your desktop. Desktop के बारे में हमने सीखा था, task bar कहाँ पे है, ये वॉच का यूज कैसे होता है, कैलकुलेटर का यूज कैसे होता है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव टू सी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. मतलब क्या, एमएस वर्ड में जो भी हम टाइप करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस, तो जो भी टाइप करेंगे उसे फॉर्मेट कैसे करना है उस पैराग्राफ को, ये हम इस लेसन में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वर्ड में जाना है. वर्ड पैड में कैसे जाना है, सी है ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, यहां पे वर्ड पैड डबल क्लिक करेंगे, वर्ड पैड ओपन हो जाएगा. अभी बुक में जो एग्जांपल दिया है उसी सेम एग्जांपल से मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, तो आपको ये लेसन ज्यादा क्लियर होगा. दिस लेसन इज टोटली डिपेंड अपॉन प्रैक्टिकल. ये थियोरेटिकली अगर मैं आपको बताऊंगी तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा पैराग्राफ कैसे टाइप करना है, उसे फॉर्मेट कैसे करना है. गॉट इट? नाउ सी, ओपन द पेज नंबर 41, फिफ्थ लेसन, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड. इसे क्या कहते हैं, एमएस वर्ड. क्या कहेंगे इसे, एमएस वर्ड. वर्ड में क्या होता है, हम टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो भी है डिलीट कर सकते हैं. गॉट इट? सी, अप्लाइंग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. अब ये पैराग्राफ ये जो है जो बुक में टाइप किया है वही मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा है. वाई? बिकॉज ऑफ सेम एग्जाम्पल से आपको मैं सिखाऊंगी तो आपको ये ज्यादा क्लियर होगा. सी या अब ये जो पैराग्राफ है इसे अगर हमें इसकी साइज ज्यादा करनी है तो कैसे करेंगे, हाउ? हमें फॉन्ट साइज के ऑप्शन में जाना है, यहां पे क्लिक करना है, जो चाहिए वो साइज हम लेंगे. सी है ये साइज आपको जो प्लस हो रही दिख रहा है सबको, सी ये फॉन्ट साइज हमने बढ़ा ली. अभी अगर हमें इसे बोल्ड करना है, मतलब क्या डार्क करना है, कैसे करेंगे, बोल्ड ऑप्शन में जाएंगे, बोल्ड हो गया. गॉट इट? बाद में अगर हमें इसे किसी अलग शेप में करना है कैसे करेंगे, इटैलिक शेप में करना है, सी इटैलिक हो गया. अगर इसे अंडरलाइन करना है, ये सब चीजें, ये सब चेंजेस विदाउट सिलेक्शन नहीं होगा. जो भी हमें चेंजेस करने हैं उस चीज को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन वी आर एनी चेंजेस इन दिस पैराग्राफ. इसे अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन ऑप्शन में जाना है, ये हो रहा है सब चेंजेस, आपको पता चल रहा है कैसे कर रही हूं. लेकिन अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे और कोई भी ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो चेंजेस नहीं होंगे विदाउट सिलेक्शन. अभी हमें ई बुक भी आप पेज नंबर 42 ओपन कीजिए. लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, ये सब हम इसमें सीखेंगे. सी अब इसे अगर हम पूरा सिलेक्ट करेंगे, ये जो दिख रहा है आपको ये जो अलाइंस है, ओके, लेफ्ट, सेंटर, सी है, ये अलाइंस है, सबको दिख रहा है. मैं माउस के एरो से यहां पे क्लिक कर रही हूं, सबको, ऑल ऑफ यू सी, ये लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है, ये राइट अलाइन है, ये जस्टिफाई, सी है. अगर हम इसे सिलेक्ट करेंगे ओके, जहां जिस पे क्लिक करेंगे वैसे पैराग्राफ चेंज होता जाएगा. सी है इसे पहले सिलेक्ट करना है. अगर हमें इसे सेंटर में लेना है तो सेंटर पे क्लिक कीजिए, पूरा पैराग्राफ सेंटर में आ गया. अगर हमें इसे राइट में लेना है तो राइट पे क्लिक कीजिए, राइट साइड में चला गया. ऑल ऑफ यू गॉट इट कैसे चेंज करना है. नाउ सी
ये जो फॉन्ट है, ये जो हमने टाइप किया ऐसा फॉन्ट भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। कहाँ जाके चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे ये जो फॉन्ट लिखा हुआ दिख रहा है सबको, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो चाहिए वो फॉन्ट लेंगे, सी कोई भी फॉन्ट आप ले सकते हो गए चेंजेस। सबको समझ में आ रहा है ना? नाउ सी, एडिंग बॉर्डर, बॉर्डर कैसे करनी है वो हम देखेंगे। किस में जाना है? बॉर्डर का ऑप्शन दिख रहा है सबको, यहां पे क्लिक करो, ऑल बॉर्डर करेंगे तो ऑल बॉर्डर आ जाएगा। ओके, आउटसाइड बॉर्डर करोगे तो आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ पे राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, मतलब जहां पे आपको बॉर्डर करनी है वहां पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे बॉर्डर आ जाएगी। गॉट इट? आउटसाइड बॉर्डर करोगे तो क्लिक करेंगे तो आउटसाइड में जहां तक हमने सिलेक्ट किया था वहां पे बॉर्डर आ गई। समझ में आ रहा है सबको? बाद में शेडिंग टेक्स्ट मतलब क्या? अगर इसे शेड करना है कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सिलेक्टिंग, हाँ, इसे सिलेक्ट कीजिए, देन कलर में जाइए, जो चाहिए वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आ गया पैराग्राफ को कलर आ गया, ऑल ऑफ यू गॉट इट? जो भी टाइप करेंगे उसे अगर हमें अच्छे से डेकोरेट करना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है, तो ये सब ऑप्शंस का हमें यूज होता है। पैराग्राफ जो भी टाइप किया है उसे हमें सी है। ये ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, इसके क्या कैसा कैसा यूज होता है देखिए आप। सी देख रहे हैं चेंजेस आप, ये जो हेडिंग के चेंजेस है सी है। बुक में भी यही बताया है, आप ये पेज नंबर, ये देखने के लिए आप पेज नंबर ओपन कीजिए, सी ओपन द पेज नंबर 44। जैसे चाहिए वैसे ये हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सबको समझ में आया कैसे कैसे चेंजेस करना है? ऑल ऑफ यू क्लियर दैट? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ को कैसे फॉर्मेट करना है, सिलेक्ट करके कैसे कलर करना है, उसकी फॉन्ट साइज कैसे चेंज करेंगे, बोल्ड कैसे करेंगे, इटैलिक कैसे करेंगे, अंडरलाइन कैसे करेंगे, ये सब मैंने इस पैराग्राफ में आपको बता दिया। ये अगर आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस लेक्चर इज प्रैक्टिकली। अगर मैं थियोरेटिकली अगर आपको सब बताऊंगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये प्रैक्टिकली समझ में आया? बॉर्डर कैसे करना है, शेडिंग कैसे करना है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? थैंक यू। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी।